Hello friends, welcome. I am here with current affairs for January 2019. तो आइए देखते हैं current affairs. मैं आपको पहले बता देता हूँ, मैंने इसको extensively दो तीन sources से मैंने cover किया है. तो January में आपको कुछ छूटेगा नहीं इसमें, और अगर आप चाहें तो इसके screenshot ले सकते हैं जो भी page आपको important लगे, ताकि उसको आप बाद में भी आप उसको memorize कर सकें. देखते हैं सीधे. और मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ कि जहाँ पे भी जो इम्पोर्टेंट जो याद रखने वाली चीज़ें हैं उसको मैंने यहाँ पे बोल्ड मार्क किया है. जैसे आप देख सकते हैं कि ये बोल्ड मार्क है, तो ये सब आपको मेमोराइज करना है, ये सब आपको याद रखना है. तो देखते हैं. पहला है द भारत रत्न अवार्डीज इन 2019 आर, तीन लोगों को का नाम डिक्लेयर किया गया है. पहले प्रणब मुखर्जी, दूसरे हैं भूपेन हजारिका, तीसरे नानाजी देशमुख. दो लोगों को पोस्टमसली दिया जा रहा है, मतलब मरणोपरांत दिया जा रहा है. मैंने यहाँ पे भारत रत्न के बारे में कुछ और डिटेल्स दिया है जो कि पूछे जा सकते हैं एग्जाम में इससे रिलेटेड. ये है द नंबर ऑफ एनुअल अवार्ड्स हैज बीन रिस्ट्रिक्टेड टू मैक्सिमम थ्री इन ईयर. जो भारत रत्न है वो मैक्सिमम तीन लोगों को एक साल में दिया जा सकता है. दूसरा, भारत रत्न अवार्डीज रिसीव्स ए सर्टिफिकेट साइंड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. भारत रत्न अवार्डी जो होते हैं जिनको सर्टिफिकेट दिया जाता है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा साइंड होता है. तीसरा, द मेडल हैज अ शेप ऑफ पीपल लीफ. मेडल का जो शेप है आपको पता भी होगा कि पीपल के पत्ते की तरह होता है. भारत रत्न इज रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट, और उसमें हिंदी पेन लिखा होता है देवनागरी स्क्रिप्ट. तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वो हिंदी में रहता है इंग्लिश में, तो आपको यहाँ पे हिंदी वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है. अगला, मदर टेरेसा वॉज द फर्स्ट नेचुरलाइज इंडियन सिटीजन टू रिसीव भारत रत्न इन इंडिया, भारत रत्न इन 1918. सो आपको यह पता होना चाहिए कि फर्स्ट नेचुरलाइज सिटीजन मतलब मदर टेरेसा का जन्म भारत में नहीं हुआ था, उनको बाद में दिया गया था. वो एक नेचुरलाइज सिटीजन थी, उनको 1980 में दिया गया था. तो वो पहली नेचुरलाइज सिटीजन है इंडिया की जिनको भारत रत्न से अवार्ड किया गया है. अगला है, देर आर टू नॉन इंडियन भारत रत्न विनर, और ये दो कौन है? ये खान अब्दुल गफ्फार पाकिस्तान के हैं, और दूसरे नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के. तो ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद रखने की जरूरत है. नेक्स्ट देखते हैं, पद्म विभूषण इस बार चार लोगों को दिया गया है. पद्म भूषण 14 लोगों को दिया गया है, पद्मश्री 94 लोगों को दिया गया है. ये आपको सबका नाम याद रखना बहुत मुश्किल होगा, इसलिए मैंने नंबर दे दिया है. अगर पूछा जाए कि पद्म भूषण कितने लोगों को दिया गया है, पद्म विभूषण कितने लोगों को दिया गया है, तो ये पद्म विभूषण और पद्म भूषण का नंबर मैंने दे दिया है. अब स्पोर्ट्स से है कुछ, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन इस बार हुआ था जनवरी में, तो इसमें मेंस सिंगल्स के विनर जो थे वो थे नोवाक जोकोविच, और वीमेन्स सिंगल्स के नाओमी ओसाका. ये आपको याद रखना है. आईसीसी अवार्ड्स 2018 जो दिया गया, इसमें इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर ऋषभ पंत को दिया गया, आईसीसी अंपायर ऑफ द ईयर कुमार धर्मसेना को दिया गया, ये श्रीलंका के हैं. और आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड ये केन विलियमसन को दिया गया है. आईसीसी एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड ये कैलम मैकलॉयड को दिया गया है. एसोसिएट क्रिकेट ईयर क्रिकेटर जो अवार्ड होता है ये रेगुलर जो क्रिकेटिंग ये प्लेइंग नेशंस होते हैं उनके क्रिकेटर को दिया जाता है, नॉन रेगुलर जो खेलते हैं क्रिकेट उनको दिया जाता है. आईसीसी मेंस क्रिकेट ऑफ द क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये विराट कोहली को दिया गया है. आईसीसी ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये भी विराट कोहली को दिया गया है. और आईसीसी टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये भी विराट कोहली को दिया गया है. तो अब तीनों देख सकते हैं, तीनों अवार्ड विराट कोहली को दिया गया है. और आईसीसी टी20 प्लेयर ऑफ द ईयर ये एलिसा हेली को दिया गया है, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं. ये वीमेन्स क्रिकेट से, ऑस्ट्रेलियन वीमेन्स क्रिकेट से. अब नेक्स्ट देखते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस 2019 ये वाराणसी में हुआ था. अगला, इसका थीम आपको जानना जरूरी है, याद रखना जरूरी है. इसका थीम था ये रोल ऑफ इंडियन डायस्पोरा इन बिल्डिंग न्यू इंडिया. चीफ गेस्ट इसमें कौन थे प्रवासी भारतीय दिवस में? तो ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिशस थे प्रवीण जगन्नाथ. नेक्स्ट है गेस्ट ऑफ ऑनर, चीफ गेस्ट तो ये थे और गेस्ट ऑफ ऑनर कमलजीत सिंह बक्सी, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है न्यूजीलैंड के. अगला है, ये
प्रवासी भारतीय दिवस से रिलेटेड हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, इट विल द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री दैट ऑल वुमेन कंटिजेंट ऑफ असम राइफल्स विच इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्सेज ऑफ इंडिया विल टेक पार्ट इन रिपब्लिक डे पैरेड। ये इस बार के रिपब्लिक डे पैरेड में जो 26 जनवरी को हुआ उसमें पहली बार ऐसा हुआ कि वुमेन कंटिजेंट जो थी वो असम की और असम राइफल्स की, उन्होंने पार्टिसिपेट किया पैरेड में। और इस बार के जो चीफ गेस्ट थे वो साइरिल रामाफोसा थे, ये साउथ अफ्रीका के प्राइम मिनिस्टर हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, आरबीआई रिलीज डेटा ऑन सेंसस ऑफ ऑन फॉरेन लाइबिलिटीज एंड एसेट्स ऑफ इंडियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कंपनीज 2017-18। आरबीआई ने ये रिलीज किया है, ये आपको याद रखना है, सेंसस ऑन फॉरेन लाइबिलिटीज एंड एसेट्स ऑफ इंडियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कंपनी 2017-18। इसमें ये बताया गया था कि 18% हमारा एफडीआई में इंक्रीज हुआ है जो फाइनेंशियल ईयर 18 में, फाइनेंशियल ईयर 2018 में, और ये टोटल 28.2 लाख करोड़ रुपीज था। नेक्स्ट, आईआईटी रोपड़ ने एक ऐप डेवलप किया है जिसका नाम है रोशनी। ये ऐप का काम है विजुअली इम्पेयर्ड लोगों को, जो आंख से लोग डिसेबल्ड हैं उनके लिए ये करेंसी नोट्स का वैल्यू बताता है कि जैसे कौन सा 200 का करेंसी नोट्स वो नहीं देख पाते हैं, तो उनके लिए उनको हेल्प करता है उसको आइडेंटिफाई करने में। द 32nd मीटिंग ऑफ जीएसटी काउंसिल कंक्लूडेड इन न्यू दिल्ली। द लिमिट ऑफ एनुअल टर्नओवर फॉर कंपोजिशन स्कीम, जो 32nd अभी मीटिंग हुआ जीएसटी काउंसिल का वो न्यू दिल्ली में हुआ, ये ज्यादातर न्यू दिल्ली में ही होता है। और इसमें ये डिसाइड किया गया कि जो एनुअल टर्नओवर होगा कंपोजिशन स्कीम का वो उसको अब बढ़ा के अब 1.5 करोड़ रुपीज कर दिया गया है, और ये 1 अप्रैल 2019 से ये लागू होगा ये फैसला। द काउंसिल डिसाइडेड टू इंक्रीज द जीएसटी रजिस्ट्रेशन थ्रेशोल्ड लिमिट टू, हाँ, और काउंसिल ने एक और डिसीजन लिया है कि जो हमारा जीएसटी रजिस्ट्रेशन थ्रेशोल्ड लिमिट है उसको 40 लाख रुपया कर दिया गया, बढ़ा के 20 लाख रुपये से, पहले 20 लाख था, और ये सब 1 अप्रैल 2019 से लागू होगा। द इनकम अर्न बाई एन एवरेज इंडियन, हाँ, जो एवरेज इंडियन का जो इनकम है वो डबल हो गया है पिछले 7 साल में, ये 63,642 रुपये था पहले 2011-12 में, अब ये 2018-19 में बढ़ के 1.25 लाख हो गया है। तो ये पूछा जा सकता है कि पिछले 7 सालों में 2011-12 कंपेरिजन में ये कितना हुआ है, इंडियन का सैलरी कितना इंक्रीज हुआ है, एवरेज इंडियन का इनकम कितना हुआ है, तो वो डबल हो गया है। सोशल मीडिया जाइंट फेसबुक अनाउंस दैट इट विल क्रिएट एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट फॉर एथिक्स। जो फेसबुक है उसने एक नया इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट फॉर एथिक्स ओपन करने का डिसाइड किया है, और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया लॉन्च्ड न्यू ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म रीव्यूब डॉट इन फॉर हैंडलूम वीवर्स। ये आपको याद रखना है रीव्यूब डॉट इन, इसने जो माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने ये प्रोजेक्ट रीवेब है इनका, उसके अंडर इन्होंने एक नया प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है रीवेब डॉट इन, और ये हैंडलूम वीवर्स के लिए है, और ये पार्ट ऑफ इट्स फिलंथ्रोपिक इनिशिएटिव का एक पार्ट है। अगला देखते हैं, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड एंड लिबकोइन आर इन डायलॉग टू फॉर्म वर्ल्ड क्लास कंसोर्टियम टू इनिशियली बिल्ड 1 गीगावाट लिथियम आयन बैटरी। ये क्वेश्चन पहले भी किसी और एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आपको यहाँ पे ये तरह याद रखना है कि कौन सी कंपनी ने वो किया है, तो भारत भेल ने किया है, और लिथियम आयन बैटरी प्लांट ये इंडिया में ओपन कर रहे हैं। इनिशियली तो ये 1 गीगावाट आवर से वो पहले स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद ये 30 गीगावाट तक जाएगा। ये केजे अल्फोंस यूनियन मिनिस्टर फॉर टूरिज्म इनोग्रेटेड द फर्स्ट प्रोजेक्ट अंडर द स्वदेश दर्शन प्रोजेक्ट। स्वदेश दर्शन प्रोजेक्ट के अंदर जो पहला प्रोजेक्ट है वो 0 पॉइंट वो गंगटोक में है सिक्किम में, इसको इनोग्रेशन हुआ है इसका, तो आपको याद रखना है ये जगह 0 पॉइंट गंगटोक में है सिक्किम में। और ये भी याद रखना है आपको कि यूनियन मिनिस्टर फॉर टूरिज्म ने किया है ये, तो हालांकि गेस करना इजी होगा लेकिन ये जगह ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च आईसीएआर लॉन्च्ड द नेशनल एग्रीकल्चरल हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट। ये आपको याद रखना है कि अगर पूछा जाए कि नेशनल एग्रीकल्चरल हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया है, तो आईसीएआर ने लॉन्च किया है, एनएएचईपी याद रखिएगा। ये इसलिए किया गया है ताकि टू अट्रैक्ट टैलेंट एंड स्ट्रेंथन हायर एग्रीकल्चरल एजुकेशन इन द कंट्री।
देश में एग्रीकल्चरल मतलब कृषि से रिलेटेड शिक्षा में बढ़ावा देने के लिए और जो टैलेंट जो है उनको अट्रैक्ट करने के लिए। मध्य प्रदेश अनाउंस द लॉन्च ऑफ युवा स्वाभिमान योजना फॉर यूथ्स फ्रॉम द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इन अर्बन एरियाज। ये मध्य प्रदेश ने अभी लॉन्च किया है जनवरी में युवा स्वाभिमान योजना। इसमें आपको ये बात ध्यान रखना है कि इसमें इनका पर्पस है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को मतलब कुछ जॉब देना। जैसे 100 इसमें क्या है कि 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट इनको दिया गया। तो आपने पहले एमजी नरेगा का तो नाम सुना ही होगा, लेकिन उसी तरह का ये है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए है। तो ये आपको पूछा जा सकता है कि किसके लिए है, ऐसा दिया जा सकता है ऑप्शन में कि एस सीज के लिए, एस टीज के लिए है, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है इसमें इकोनॉमिकली वर्ड का यूज किया गया है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए और ये अर्बन एरियाज में है। अगला है केरला गवर्नमेंट हैज फ्लोटेड ए प्रवासी डिविडेंड पेंशन स्कीम। ये आपको याद रखना है कि प्रवासी डिविडेंड पेंशन स्कीम पूछा जाएगा कि कौन से स्टेट ने किया है, तो केरला गवर्नमेंट ने किया है और इसमें क्या है नॉन रेसिडेंट केरलाइट्स के लिए है। इसमें वन टाइम पेमेंट ऑफ आपको 5 लाख आपको करना है, उसके बाद आपको रेगुलर पेंशन दिया जाएगा। पीएम मोदी लॉन्च दी प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना अंडर विच ग्रुप ऑफ इंडियन डायस्पोरा विल बी टेकन ऑन गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड टूर ऑफ रिलीजियस प्लेसेज इन इंडिया ट्वाइस ए ईयर। आपको ध्यान रखना है रिलीजियस प्लेसेज का इसमें टूरिंग करवाया जाएगा आपको और ये साल में 2 बार होगा। नेक्स्ट, त्रिपुरा सीएम लॉन्च द प्रोजेक्ट फॉर सस्टेनेबल कैचमेंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड स्टेटेड दैट प्रोजेक्ट वुड हेल्प डेवलप द क्वांटिटी ऑफ क्वालिटी ऑफ फॉरेस्ट लैंड्स एंड लाइवलीहुड फॉर फॉरेस्ट ड्वेलर्स इन द स्टेट। आपको यहाँ पे याद रखना है कि सस्टेनेबल कैचमेंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट किस स्टेट ने अभी वो प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, तो ये प्रोजेक्ट अभी त्रिपुरा के सीएम ने लॉन्च किया है। अगला है उन्नति। हाँ, पहले तो आपको यहाँ पे एक उन्नति का आपको ये फुल फॉर्म पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में, इसका फुल फॉर्म क्या है तो ये आपको याद कर लेना जरूरी है, यूनि स्पेस नैनो सेटेलाइट असेंबली एंड ट्रेनिंग। ये इसको अभी रिसेंटली जो हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं इन डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने अभी इसका इनोग्रेशन किया है उन्नति का। ये प्रोग्राम जो है ये इसरो के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया और बेंगलुरु में किया गया था कर्नाटका में। इट इज एन इनिशिएटिव बाई इसरो टू कमेमोरेट द 50th एनिवर्सरी ऑफ द फर्स्ट यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन द एक्सप्लोरेशन एंड पीसफुल यूजेज ऑफ आउटर स्पेस। जो हम स्पेस का यूज करते हैं तो उसके पीसफुल यूज के लिए ये एक यूनाइटेड नेशंस का एक कॉन्फ्रेंस था, उसका 50 साल हो चुका है, उसके उपलब्धि पे ये लॉन्च इनोग्रेट किया गया है उन्नति। तो ये आपको पूछा जा सकता है कि उन्नति किससे रिलेटेड है, तो ये आपको याद रखना है उन्नति का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। अगला है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस लॉन्च वुमनिया ऑन जीईएम एन इनिशिएटिव टू इनेबल वुमेन एंटरप्रेनर्स एंड वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप टू सेल हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम। ये आपको ध्यान रखना है कि ये पूछा जाए कि ये वुमनिया ऑन जीईएम है ये किसके लिए, तो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए है, ये आपको याद रखना है। और ये गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला है सिक्किम चीफ मिनिस्टर लॉन्च द वन फैमिली वन जॉब स्कीम। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको बोल्ड कर दिया है और हाईलाइट भी कर दिया है कि वन फैमिली वन जॉब स्कीम है, ये सिक्किम के चीफ मिनिस्टर लॉन्च किया है, तो ये आपको याद रखना है। इसके अंदर है कि एवरी फैमिली फॉर एवरी फैमिली वन गवर्नमेंट जॉब हैज बीन अलॉटेड। हर फैमिली के लिए एटलीस्ट एक गवर्नमेंट जॉब अलॉट किया गया है। इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री लॉन्च द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। ये तो आपको नाम से भी आप गेस कर सकते हैं कि इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। और हाँ, इसमें आपको ये बात एक बात और ध्यान रखना है, ये 2017 इसका बेस ईयर होगा फॉर कंपेरिजन ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स। तो ये आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है कि कौन सा ईयर इसके लिए बेस ईयर होगा। और यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है द एनसीएपी विल बी ए मिड टर्म 5 ईयर प्लान विद 2019 एज द फर्स्ट ईयर। 2019 इसका फर्स्ट ईयर है, लेकिन फिर भी इसका बेस ईयर जो होगा वो 2017 को रखा गया है, कंपेयर यहां से किया जाएगा। गवर्नमेंट लॉन्च्ड वेब वंडर वुमेन कैंपेन टू सेलिब्रेट द एक्सेप्शनल अचीवमेंट ऑफ वुमेन हु हैव इन्फ्लुएंस्ड एंड इंपैक्टेड सोसाइटी थ्रू सोशल मीडिया। गवर्नमेंट ने अभी वेब वंडर वुमेन कैंपेन लॉन्च किया है। ये इसलिए किया गया है कि जो वीमेन जो एक्सेप्शनल अचीवमेंट हमारे वीमेन ने जो प्राप्त किया है सोशल मीडिया के थ्रू, तो उसने सोसाइटी में कुछ ऐसा इम्पैक्ट बनाया हो सोसाइटी में, उनके लिए ये लॉन्च किया गया है वेब वंडर वीमेन कैंपेन। तो ये आपको याद रखना है, इसका पर्पस पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, हम बाकी नेक्स्ट वीडियो जो है वो अगले सीरीज में लेके आएंगे। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।